नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। सालों से दफ्तरों का चक्कर लगा रहा आवेदक, साउंड सर्विस का आज तक नहीं हुआ भुगतान। लोकसभा विधानसभा के समय लगा था साउंड सिस्टम, 2013 और 14 में हुआ था निर्वाचन कार्य। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय में स्थित एक साउंड सिस्टम का व्यवसाय करने वाले का है, जो बीते वर्ष 2013 में विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शासन के आदेशानुसार साउंड सिस्टम, लाइट व विद्युत व्यवस्था करने का कार्य किया था, जिस कार्य के भुगतान हेतु आवेदक के द्वारा बिल भी जमा किया जा चुका है। उसके बावजूद आज तक प्रार्थी को शासन की ओर से भुगतान नहीं किया गया है। वही प्रार्थी अभिनंदन सेन ने एक बार फिर कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द लंबित भुगतान को करे, क्योंकि उक्त कार्य के बाद से कर्जा बढ़ चुका है। कार्य को किए बहुत समय भी बीत चुका है, जिसका भुगतान आज तक रुका हुआ है, जिसके चलते मैं मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से परेशान हो रहा हूं। अगर भुगतान जल्द से जल्द नहीं होता है तो आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प मेरे पास नहीं बचा है, जिसकी पूरी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। सन 2013-14 में विधानसभा का काम किया था, शासकीय काम, टेंडर दिया गया था मुझे, और टेंडर में विधानसभा के बाद में लोकसभा का काम भी दिए। धीरे धीरे करके कुछ तो पेमेंट किए, उसके बाद में पेमेंट देना ही बंद कर दिए। अधिकारी लोग बदलते गए। इतने सालों से मैं एक कागजात लगाते बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये रायपुर इंद्रावती निर्वाचन शाखा का है, मंत्रालय का भी है कागजात मेरे पास, और ये जो आवंटन लंबित भुगतान राशि जो है 271,128 रुपया का, अभी तक के मेरे 10 साल हो गया मेरे को नहीं मिल रहा है। मैं कैसे भी करके कार्यक्रम को उनका भरपूर जैसा भी कहा वैसा मैं किया, उसके बावजूद भी आज नहीं कल अधिकारी बदलते रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ इतनी रात। अब मेरा तो यही विकल्प है कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि कर्जदार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इतने 10 सालों से कर्जा लेके मैं काम किया हूँ, दबाव डाल रहे हैं। इससे पूरे परिवार के साथ मैं कलेक्ट्रेट में आके मतलब चाहूँगा कि मैं स्वयं को, अपने आप को अब बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। आत्महत्या करूँगा या पूरा परिवार को यहीं भेज दूँ। इलेक्शन वर्कर का जो कुछ भुगतान लंबित होने बाबत एक आवेदन आया है, वो बहुत पुराना मामला है। इसको मैं परीक्षण कराऊंगा कि भुगतान क्यों उनका नहीं हो पाया है, और हो सकता है कि आवंटन न मिला हो इसलिए भुगतान न रुका हो, या समय पे बिल प्रस्तुत न किया हो, ये भी हो सकता है। इसका भी परीक्षण कराएंगे हम। क्या उसको भुगतान हो पाएगा सर? परीक्षण कराने के बाद ही समझ में आएगा कि वास्तव में क्या मामला है। ए न्यूज़ टुडे से सुरेंद्र धीवर की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर नवीन जिला शक्ति में पुलिस विभाग द्वारा भारी कार्रवाई से जुड़ी हुई आ रही है। मुखबरी की सूचना पर एसपी के निर्देश में अलग अलग थाना टीम गठित कर की गई कार्रवाई। बहुत दिनों से था तलाश। बता दें कि डबरा क्षेत्र के फरसवानी गांव के खेत में चल रहा था बड़ा जुआ, अन्य जिले से भी आते थे जुआड़ी। आज डबरा थाना क्षेत्र में जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई, जिसमें 19 जुआड़ी के साथ 11 मोटरसाइकिल और 1,43,000 रुपए नगदी जब्त किया गया। ए न्यूज टुडे से आनंद केवत की रिपोर्ट। सरगुजा के ग्रामीणों को मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से कराया भोजन। भेंट मुलाकात के दौरान जिन ग्रामीणों के घर मुख्यमंत्री ने किया भोजन, उन्हें सपरिवार मुख्यमंत्री निवास में कराया भोज। सरगुजा की छात्रा मधुलिका की स्केचिंग से भी प्रभावित हुए मुख्यमंत्री। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु सहायता के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सरगुजा संभाग में जिन ग्रामीण परिवारों के घर भोजन किया था, मुख्यमंत्री ने आज उन्हें अपने निवास पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि मैंने आप सबके घर भोजन किया था, जिस स्नेह और अपनत्व से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उससे मैं अभिभूत हूँ। सरगुजा और जसपुर में आप सभी ने अनेक तरह के फल और भजिया परोसी थी, उनका स्वाद मैं आज तक नहीं भूला हूँ। आज मुझे आप सभी को अपने निवास पर आमंत्रित कर स्वागत करने का अवसर मिला है। भोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के पास जाकर बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की और उनके घर परिवार का हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने सरगुजा से आए मेहमानों का पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन मूंग दाल का देहाती बड़ा, मूंग भाटा, आलू की सब्जी, टमाटर चटनी और आम के पना के जायके के साथ स्वागत किया। भाजपा प्रभारी बनाए जाने के बाद ओम माथुर दूसरी बार 4 दिन बस्तर दौरे पर पहुंचे हैं। ओम माथुर ने बस्तर दौरे की शुरुआत सुकमा से की है। लगभग दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से वे जिला मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ संगठन महामंत्री पवन राय व महामंत्री केदार कश्यप भी थे।
पुलिस लाइन हेलीपैड से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और जिला संगठन की बैठक लेकर उनमें जोश भरा। अटल विधानसभा की कोर कमेटी की आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सदन के बंद कमरे में उन्होंने बैठक भी ली। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी महामंत्री केदार कश्यप व पूर्व मंत्री लता उसेंडी, सुधीर पांडे व जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि राज्यांश नहीं देने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश के 6 लाख परिवार पीएम आवास योजना से वंचित हुए। गौठानों में गाय नहीं, पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता कहते हैं कि गर्मी से गौठान में नहीं रहते तो क्या उनके लिए अलग से एसी रूम बनाकर रखा गया है। ये न्यूज टुडे से खिरेंद्र यादव की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला में 9 पदस्थ पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने पदभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा 15 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नवीन स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। आदेश के तारतम्य में दंतेवाड़ा जिला के वर्तमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के पद पर किया गया था। साथ ही गौरव राय को नवीन पदस्थ जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पद पर किया गया है, जिन्होंने आज दिनांक 29/5/2023 को जिले के नए पुलिस कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण कर सभी पुलिस अधिकारियों से सौजन्य भेंट किया। कार्यालय में आगमन के पश्चात सर्वप्रथम नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गई व पदभार ग्रहण करने के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप एवं सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक गौरव राय को बैच लगाकर स्टार पिनिंग सेरेमनी करने के बाद पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु शुभकामनाएं देकर बधाई दी गई। पखना चुआ के गौठान से ग्राम में महिलाओं को मिली नई दिशा। किसी ने बिछिया पायल खरीदा तो किसी ने अपनी बहू के लिए साड़ी, तो किसी ने अपने बच्चों के लिए स्कूल के पेन किताब, या फिर किसी ने अपनी खेती किसानी में अपने पति की आर्थिक मदद की। यह फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है। गौठानों में काम करने वाली महिलाओं की आय एवं उसकी व्यय को इंगित करती हुई यह पंक्तियां महिला समूहों की गौठान संचालन में भागीदारी के महत्व को साफ दर्शाता है। गौठानों की विविधतापूर्ण रोजगार गतिविधियां एवं सहभागिता से इन महिलाओं ने अपना एक नया संसार रचा है। दिन बीत गए जब उन्हें छोटी सी छोटी जरूरतों के लिए परिवार के सदस्यों से पैसे मांगने की नौबत आती रहती थी। यूं तो पैसों की बचत हर स्त्री का स्वभाव सिद्ध गुण होता है, उस पर गौठानों के माध्यम से हो रही आय और बचत ने निस्संदेह महिलाओं के मनोबल को और ऊंचा करने की और उनकी नई छवि प्रस्तुत की है। ये न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। विधायक जैन ने अंकित को सेकंड लेफ्टिनेंट बनने पर दी बधाई, मुंह मीठा कराकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने शहर के होनहार छात्र अंकित मिश्रा को उनके घर पहुंचकर इंडियन नेवी में प्रमुख उपलब्धि हासिल करने की बधाई दी। इसे बस्तर के लिए गौरव बताते हुए जैन ने अंकित के साथ उनके पिता विपिन, माता प्रियदर्शनी, दादी जी व परिवार को बधाई दी। जगदलपुर के वृंदावन कॉलोनी निवासी विपिन प्रियदर्शनी मिश्रा के सुपुत्र अंकित का चयन केंद्रीय विद्यालय से 12वीं पास करने के बाद एनडीए में हुआ था। वे नौसेना में सेकंड लेफ्टिनेंट का कमीशन प्राप्त करने के बाद रविवार शहर पहुंचे हैं। विधायक रेखचंद जैन ने अंकित का मुंह मीठा कराया, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक जैन के साथ बस्तर संभाग ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अनिल सामंत, गोरनाथ नाग, संतोष सिंह आदि मौजूद रहे। जय दुर्गा मां महिला समूह संजय ग्राम पर गांव के ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप। मामला बम्मनी डीह ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत संजय ग्राम का है, जहां ग्रामीणों ने जय दुर्गा मां महिला समूह को बताया फर्जी। कहा गांव के हितग्राहियों ने समूह पर चावल नहीं देने, घपला करने के साथ ही फर्जी तरीके से 4 साल हो गए चलाते हुए, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। 2 महीने के चावल बाजार से तो नियम चेंज हो गए चावल नहीं, बहुत ज्यादा घपला चला थे। ये संजय ग्राम गाड़ामूर के सोसाइटी है, विकास कुंडा बभिंडी और संचालन करते संतोष कुमार चंद्रा। यह जम्मू कश्मीर जाते थे मन मांगते चावल ना आके बोला नहीं दे, ठीक है। अब गांव के जो जो सदस्य है वह मतलब नहीं दवाए तो डेट खत्म हो गए कहके, अब एक व्यवहार भी ठीक नहीं, उठपटान टेक भी बात करते। एक जो समूह है ना वह 4 साल से रद्द है, ठीक है। यह फाल से चला थे शासन ला मतलब धोखा में डाले है, एक जांच हुआ जाए और एक रद्द हुआ जाए पूरा। चावल ला अच्छा से देते नहीं है बड़ गांव के सदस्य मन, एक मतलब नाराज है पूरा। थाना में शिकायत आते रहते
का नाम है आपके? दास महन। चावल ले जाते तो मला चावल नहीं देवे, आके वो मन चावल लेके आते तो मोर कर फिरियाद करते कि हम मला चावल नहीं देते, कहके कहते मन के राशन कार्ड के चावल ला नहीं देवे, वो फेंक देते कार्ड ला कहके कहते मन के कार्ड नहीं है, वो मन शंभू नहीं मन चलाते हैं फर्जी मां। महिला सरपंच ने भी बताया कि ग्रामीणों ने इस बारे में शिकायत की है। बमहनी डीह भूफूड इंस्पेक्टर ने लिया संज्ञान, कहा समूह वाले से दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है, जल्द ही जांच के बाद पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ए न्यूज टुडे से चंद्रशेखर बरेठ की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।